Assalamu alaikum viewers. Allahumma salli ala Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam taslima. Jumay ke din jo hai Darush Sharif ki bahut fazilat hai aur aap log bhi Jumay ke din zyada se zyada Darush Sharif padhiyega. Aaj hum aapke saath bahut hi mazedar se bhuni chutney bana rahe hain. Iske liye sirf aapko 3 se 4 cheeze chahiye. Lahsun chahiye, saabut mirch chahiye, namak chahiye, tel chahiye. अच्छा देखें जो लहसुन के जवे हैं ये 3 अदद आपने साबुत ले लिया है. हमने इस तरह का लहसुन ले लिया और उसको जो है छील के काट लें और ये तकरीबन 40 से 50 अदद जो है वो लाल मिर्च हैं. 1 चम्मच जो है ये नमक है. हम सिर्फ 2 चम्मच तकरीबन तेल डालेंगे. तेल मैंने निकाल दिया है, तवा साफ कर लिया है. अब हम जो है मिर्चों को हल्का सा भूनेंगे. ये भून चुकी हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे. अच्छा मिर्चें हमने भून के निकाल ली हैं. अब इस मिर्चों में हम ये नमक डाल देंगे और ये लहसुन डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम खावन दस्ते में कूट लेंगे. अब सिल पे हवन दस्ते में या मिक्सी जो भी चीज़ है आपके पास. देखिए पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने, इसको लहसुन के साथ ही इसको कूट लिया है. अब हम इसे फ्राई करेंगे. इसमें तेल ज़्यादा नहीं डलता, सिर्फ 2 चमचे ही डालेंगे और तेल अब डालेंगे. उस वक्त मैंने गलती से डाल लिया था. अब हम इसको डाल के चटनी को जो फ्राई करेंगे. बहुत छिलो आँच पे आराम से आप डालिएगा. बस अब हम इसे भून लेंगे 2-4 मिनट. बस ये भून चुकी है, ठंडा होने पर हम इसे निकाल लेंगे. वीवर्स ये मज़ेदार से हमारी भुनी हुई चटनी और मूंग मसूर की दाल तैयार हो चुकी है. आप हमारी ये वाली जो हमने चटनी बनाई है ज़रूर बनाइएगा और आप इसे खिचड़ी वगैरह जो बनाते हैं आप उसके साथ, मूंग मसूर की दाल के साथ, बॉयल चावल के साथ, और अगर आप कहीं सफ़र में जाएं तो वहाँ भी चटनी बना के ले जा सकते हैं. और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है और जब आप बनाएंगे एक दिन आपको भी बहुत पसंद आएगी. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.